अब देखो ओवरव्यू, अब ओवरव्यू में थोड़ा सा इसमें जनरल इसका डेफिनेशन या स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दे रखे हैं, ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। सी प्लस प्लस इज अ स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड जनरल पर्पस केस सेंसिटिव ठीक है एंड फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्राम। सी प्लस प्लस इज रिगार्डेड एज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज एज इट कंप्राइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। अब आता है सी प्लस प्लस वॉज फीचर्ड बाय बेजार्न स्टोटस्ट्रप स्टार्टिंग इन 1979 एट बेल लैब्स इन मुरे हिल न्यू जर्सी, ये यहाँ बनी थी एज एन एनहेंसमेंट टू द सी लैंग्वेज। कहाँ गया? एंड ओरिजिनली नेम्ड सी विद क्लासेस, ये मेन नेम था पहले तो इसका, बट लेटर इट वॉज रीनेम्ड सी प्लस प्लस इन 1983। सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी, मतलब सी का एडवांस वर्जन है, कहने का मतलब ये है। एंड दैट वर्चुअली एनी लीगल सी प्रोग्राम इज ए लीगल सी प्लस प्लस प्रोग्राम, मतलब आप जो सी में बनाते हो वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी बन सकता है। बस जो हमने जो इसके सिंटैक्स पढ़े थे कि कैसे प्रिंट करते हैं, कैसा हम हेडर फाइल यूज करते हैं, बस इन चीजों में चेंज होके वो नया बन जाता है, तो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। अब देखो इसमें जो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन क्या टॉपिक्स होते हैं? देखो सी प्लस प्लस फुली सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग द फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। क्या क्या है? एनकैप्सुलेशन है, डेटा हाइडिंग है, इनहेरिटेंस है एंड पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। फिर इसमें इसकी लाइब्रेरीज है, इसका एनसी स्टैंडर्ड है, ANSI हमने पहले पढ़ा था ना, ANSI नहीं ये नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था, अगर तुम्हारे पास वो हो ना नोटबुक और मैंने लिखा हो तो देखना। हमने स्टार्टिंग में देखो पढ़ा था कि जो सी लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट है तो ANSI के होते हैं, और अपनी सी वाली बुक के अंदर भी ये था कि ANSI क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, याद आया? जो स्टार्टिंग में था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल है ना, ये वो है। तो ये भी सेम स्टैंडर्ड पे वर्क करता है सी प्लस प्लस। फिर लर्निंग यूज ऑफ सी प्लस प्लस आ गया कि हम वो ये इसमें देखो, सी प्लस यूज बाय हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ प्रोग्राम्स इन एसेंशियली एवरी एप्लीकेशन डोमेन। सी प्लस प्लस बीइंग हाईली यूज्ड टू राइट डिवाइस ड्राइवर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स दैट रिलाय ऑन डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर अंडर रियल टाइम कॉन्स्टेंट्स, मतलब रियल टाइम पे चेंज करके आप देख सकते हो। सी प्लस प्लस इज वाइडली यूज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च बिकॉज इट इज क्लीन इनफ फॉर सक्सेसफुल टीचिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर anyone who has used either an Apple Macintosh or a PC running Windows has indirectly used C++ because the primary user interface of these systems are written in C++। ये इसी में बने हुए।